हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स खाना खजाना। आज मैं लंच में बना रही हूँ बहुत सारी सब्जियों से एक वेज पुलाव और उसके साथ फटाफट से बनने वाला एक रायता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वेज पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए हैं कुछ सब्जियां, जो मैंने दो मीडियम साइज के प्याज काटे हैं, ये हाफ कटोरी मटर है, दो मीडियम साइज के आलू काटे हैं, ये दो गाजर है जो मैंने बारीक बारीक काटी है, और ये थोड़ी सी पत्ता गोभी है। आप चाहें तो अपने मनपसंद बीन्स ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं, और थोड़ी सी ये है अदरक घिसी हुई और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। चार लोगों के लिए हमें चाहिए है एक गिलास चावल बासमती राइस, ये 200 ग्राम राइस है, इसमें चार लोगों का आराम से हो जाता है। ये मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, कुकर गर्म हो गया है। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच देसी घी, इसका टेस्ट देसी घी में बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, घी गर्म हो जाए। मैं डाल दूंगी इसमें एक टेबल स्पून भर के जीरा, और दो मीडियम साइज के तेज पत्ता। इसमें सबसे पहले डालेंगे हम प्याज, जीरा हो गया है, डाल देंगे सबसे पहले प्याज, थोड़ा सा प्याज को चलाएंगे, ये हल्के से प्याज भून गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी हमारी सब्जियां, मटर, आलू, सारी सब्जियां एक साथ डाल दें और फिर उनको अच्छे से थोड़ी देर भूनें। डाल दें अदरक हरी मिर्च और इसे मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक इसे भूनें। बीच बीच में सब्जियां चलाते रहें, चला चला कर भूनें अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले, हमने हरी मिर्च भी डाली है इसलिए लाल मिर्च आप ध्यान से डालें। मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कर लें, और आधी चम्मच हल्दी। फिर इसे चलाएं, दो से तीन मिनट और अच्छे से भूनें। जितना आपकी सब्जी अच्छे से भुनेंगी आपके वेज पुलाव का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। जब तक हमारी सब्जियां भुन रही हैं, हम अपने चावल को 2 से 3 पानी से अच्छे से धोएंगे, जब तक ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। आप देखेंगे अभी ये थोड़ा पानी इसमें गंदा दिख रहा है, इस तरह जब हमारा पानी ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तब तक हम इसे धोएंगे। 3 पानी से मैंने धो लिया है, आप देखेंगे पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है। और जब तक हमारी सब्जियां भुन रही हैं, 5 से 7 मिनट तक इसे भीगने दें। सब्जियां हमारी देखें अच्छे से भुन रही हैं और हमारे चावल भी भीग गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेरे चावल भीगे हुए। चावल को 7 से 8 मिनट तक जरूर भिगाए, उससे ये चावल थोड़ा खिला खिला और अच्छा बनेगा। अब मैं डालूंगी इसमें पानी, जिस गिलास से आप चावल लें उसी गिलास से हमें पानी डालना है, और जितना चावल उसका 2 गुना पानी। मैंने 1 गिलास चावल लिया है तो मैं डाल रही हूं 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद आप तुरंत कुकर को बंद ना करें, जब थोड़ा इसमें उबाल आ जाए तब आप कुकर का ढक्कन बंद करें और सिर्फ 1 सीटी लगाएं, और 1 सीटी आने पर गैस को बंद कर दें। 1 सीटी आ गई है, गैस को बंद कर दें और कुकर को ठंडा होने का वेट करें। जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है हम बनाते हैं झटपट सा रायता।
उसके लिए मैंने ये 200 ग्राम दही है उसको मैंने छान लेती हूँ। छानने से दही एकदम एक जैसा हो जाता है। थोड़ा सा पानी डालें। देखिए दही कितना बढ़िया एक जैसा हो गया। 5 से 7 मिनट में बूंदी अपने आप इसी में फूल जाएगी, आपको पहले से भिगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा मेरे पास है ये भुना जीरा और काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक जरूर डालें, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा सा फ्रेश धनिया। ये हमारा झटपट सा रायता तैयार है। 5 मिनट में ये बूंदी दही को एब्जॉर्ब कर लेंगी और ये बहुत ही टेस्टी सा बन जाएगा। कुकर हमारा एकदम ठंडा हो चुका है, चलिए देखते हैं कैसा बना है। देखिए एकदम अच्छा खिला खिला पुलाव, वेज पुलाव रेडी है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये हमारा वेज पुलाव एकदम रेडी है खाने के लिए और ये हमारा रायता भी रेडी हो चुका है। इसकी बूंदी एकदम फूल गई है, इसे भी मैं एक कटोरी में डाल दूंगी। ये प्याज, ये थोड़े से खीरे, ये फटाफट सा लंच मेरा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें।